दोस्तों, अक्सर कई ऐसी चीजें होती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो आखिर हुआ कैसे, और फिर एक रहस्य बन जाती है। ऐसी ही एक घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कई सालों पुरानी है, लेकिन आज भी उसके रहस्य का कोई पता नहीं लगा पाया है। हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, उसमें एक ट्रेन यात्रियों के साथ ही सुरंग से गायब हो गई थी। उस ट्रेन में लगभग 106 लोग सवार थे। सुरंग में गायब हुई ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया है। कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, एकदम से कहाँ लापता हो गई वो ट्रेन जिसमें इतनी सारी सवारियां बैठी हुई थी। इस रहस्यमय घटना से जुड़ी बातें जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ये रहस्यमय घटना इटली की राजधानी रोम की है। साल 1911 में रोमन स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी, जिसका नाम जेनेटी था। ट्रेन को एक सुरंग से होकर अगले स्टेशन तक जाना था, लेकिन ट्रेन सुरंग में घुसते ही अचानक लापता हो गई। मानो उसे धरती खा गई हो या आसमान निकल गया हो। ट्रेन को बहुत खोजा गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। लापता होने के बाद ट्रेन में सवार दो लोग सुरंग के बाहर पाए गए थे। उन्होंने एक बात ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताई, जिसके बारे में जानकर हर किसी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया था कि ट्रेन सुरंग के पास पहुंची, तो वहां से एक रहस्यमय धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद दोनों लोग घबराकर ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में चली गई और कभी वापस बाहर नहीं आई। बताया जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 वर्ष पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि सुरंग में गायब होने वाली ट्रेन 1840 में मेक्सिको जा पहुंची थी। इसकी वजह से इस ट्रेन को लोग भूतिया ट्रेन भी कहते हैं। मेक्सिको की एक डॉक्टर ने हैरान करने वाला दावा किया था। महिला ने कहा कि उसके अस्पताल में 104 लोगों को रहस्यमय तरीके से भर्ती कराया गया था, लेकिन सभी लोग पागल हो चुके थे। महिला ने बताया था कि उन लोगों का कहना था कि सभी अस्पताल तक ट्रेन से पहुंचे थे। तो दोस्तों, क्या आपको इस ट्रेन के पीछे का रहस्यमय समझ आया? अगर आ गया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।